एक्सटेंशन से रिलेटेड राजकुमार आपको बताएंगे, बेसिक बेसिक सारा बताएंगे, ठीक है। अभी वो स्टाफ काउंसिलिंग वाला जो हमने किया था ना, जिसमें आपके सेक्शन इंचार्ज ने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उसका रिस्पॉन्स हमारे पास टोटल आया है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि जिन जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता है उसको थोड़ा बहुत सिखाएंगे, फिर उसके बाद फिर से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और फील्ड में भी आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी। लास्ट में फिर से सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जब होगा तो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, तो थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगा, उसके बाद उस बेसिस पे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको अगर कुछ नहीं आता तो आपको सिखाया जाए, ठीक है। इसीलिए हमने बाहर से कोई ट्रेनर या कोई पढ़ाने वाला हायर नहीं किया, ना आपको या ZETC में भेजा है, क्योंकि वहाँ लोग अपने जब खुद का आपका सेक्शन का साथ आपके ये पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा बेटर समझ आएगा, ठीक है ना। आप जिस गेम में भी नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आता आप इनसे पूछ लेंगे, ठीक है। कोई भी छोटी छोटी चीज़ अगर आपको लगता है कि PNC की फुल फॉर्म भी आपको नहीं पता तो भी आप इनसे पूछ लेंगे, ठीक है। ये पूरा हमारा पर्पज़ इसका रहेगा कि आप लोग अच्छे से सीखें, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं, ये इसका पूरा ही पर्पज़ ये है कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता हो तो उसको भी अच्छे से सिखा के हम ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है ना। राजकुमार खर्चा जी, ये न्यूमेटिक सेक्शन का पूरा जो भी हम काम करते हैं अपना वर्क सेक्शन में, वो पूरा इसका बनाया हुआ है। ये हमारे सेक्शन में जो कवर करते हैं हम लोग, कौन कौन से इक्विपमेंट हम लोग देखते हैं गाड़ी में जो लगे हुए हैं मेमू में हमारे, ये पहला ब्रेक कंट्रोलर है, दूसरा पेंटोग्राफ है, तीसरा EP यूनिट है, चौथा एयर ड्रायर है, और पाँचवा अंडर फ्रेम में जो भी पाइपलाइन और जो भी रिजर्वायर हैं और जो भी अंडर टैंक हैं, MR टैंक हो, कोई AR टैंक हो, वो सारे उसमें कवर होंगे। ये सबसे पहले हमारे सेक्शन में मतलब इक्विपमेंट की होल्डिंग पोजीशन क्या है। हमारे कन्वेंशनल रैंक में जैसे ब्रेक कंट्रोलर कौन सी मेक के हैं और कितने कितने हैं, DMC में कितने लगे हैं, TC में कितने लगे हैं, वो सब पूरा इसका होल्डिंग पोजीशन है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है सेक्शन में, क्या क्या नहीं। आप अपने सेक्शन के बारे में थोड़ा मतलब अवेयर रहें कि हमारे पास इक्विपमेंट है या नहीं, स्पेयर है या नहीं, हमको ओवरऑलिंग करना है या कुछ भी रिपेयर करना है अपने सेक्शन में इक्विपमेंट को, तो उसको पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या है। ये हमारी होल्डिंग है ब्रेक कंट्रोलर की, और ये पेंटोग्राफ की है, ये आप देख सकते हो पूरा। अभी ये WSF की टोटल होल्डिंग 15 है अपने पास, 14 DMC में लगे हुए हैं, TC में एक भी नहीं होता है, ब्रेक कंट्रोलर होता ही नहीं है, तो एक रेडी में पड़ा हुआ है अपने पास बराबर। ऐसे ही एस्कॉर्ट के हैं, ऐसे ही नॉर के हैं, तो टोटल होल्डिंग अपने पास 80 की है ब्रेक कंट्रोलर की, जो उनमें से DMC में 78 लगे हुए हैं और रेडी अपने पास 2 पड़े हुए हैं। ऐसे ही पेंटोग्राफ का है, ये पेंटोग्राफ की मेक हैं, कौन कौन सी कंपनी इनको बनाती हैं जो अपने लेके आते हैं हम लोग, AM12 की एक ये सारी कंपनी है, ये बनाती हैं, सी कॉम्पोनेंट, एस फेवली, कौन ये सी कौन सिस्टमेटिक प्राइवेट लिमिटेड, SIL संघ, हाईरिच वाले हैं ये। यानी अपने पास ये इतनी ही होल्डिंग है टोटल, इतने DMC में लगे हुए हैं और रेडी में ये पड़े हुए हैं अपने पास बराबर। ऐसे करके टोटल सभी इक्विपमेंट की होल्डिंग है, ये टोटल होल्डिंग है। ये EP यूनिट है, EP यूनिट तो अपना TC में भी लगता है और DMC में भी लगता है बराबर। तो ये अपने पास WSF की अभी एक भी नहीं है, और WSF जो मॉडिफाइड है उसके 11 हैं। ये TC में लगे हुए हैं सारे के सारे, DMC में एक भी नहीं है। ये एस्कॉर्ट के हैं, 191 टोटल होल्डिंग है, उसके बाद DMC में 45 लगे हुए हैं और 139 TC में लगे हुए हैं, अपने पास रेडी में पड़े हुए हैं 7। नॉर की जो हैं टोटल होल्डिंग 125 है, DMC में जो लगे हुए हैं वो 33 लगे हुए हैं, TC में 91 लगे हुए हैं, एक रेडी पड़ा हुआ है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कल को किस मेक का कौन सा EP नोट खराब हुआ है, अपने पास स्पेयर है या नहीं, ये आप सबको पता होना चाहिए। ये WSF मॉडिफाइड के 11 हैं, तो टोटल TC में लगे हुए हैं, DMC में एक भी नहीं लगा हुआ है। टोटल होल्डिंग 327 है इसकी, जो DMC में 78 लगे हुए हैं और TC में 241 लगे हुए हैं, और रेडी में अपने पास 8 पड़े हुए हैं, ये ओवरऑल सभी मेक के। ये एयर ड्रायर है, एयर ड्रायर अपने पास फेवली का है, नॉर का है, ट्राइडेंट का है, SIL का है, प्राग का है। टोटल होल्डिंग फेवली की 23 है, DMC में 21 लगे हुए हैं, 2 रेडी में हैं। ये नॉर का है, नॉर की टोटल होल्डिंग 1 है जो DMC में लगी हुई है, स्पेयर एक भी नहीं है। ये ट्राइडेंट के हैं, टोटल होल्डिंग 55 है, DMC में 54 लगे हुए हैं, एक रेडी पड़ा हुआ है ट्राइडेंट का। ये SIL का है,
एक है अपने पास, वो डीएमसी में लगा हुआ है, स्पेयर एक भी नहीं है इसका। ये प्राग का है, एक होल्डिंग है जो डीएमसी में लगा हुआ है, एक भी इसका स्पेयर नहीं है। ये अपने पास इक्विपमेंट होल्डिंग पोजीशन है थ्री फेज की। थ्री फेज रैक का अपने पास क्या क्या रखा हुआ है, ये एस्कॉर्ट का ब्रेक कंट्रोलर आता है, नॉर का आता है। एस्कॉर्ट के टोटल होल्डिंग छः जो डीएमसी में लगे हुए हैं, नॉर के छः वो भी डीएमसी में लगे हुए हैं, दोनों का स्पेयर कुछ भी नहीं है। टोटल होल्डिंग 12 है, 12 के 12 डीएमसी में लगे हुए हैं, एक भी स्पेयर में नहीं है। ये ईपी यूनिट का मेक, एस्कॉर्ट, नॉर, फेवली। ईपी यूनिट का जो टोटल होल्डिंग 21 एस्कॉर्ट का, 6 डीएमसी में लगे हुए हैं, 15 टीसी में, स्पेयर एक भी अवेलेबल नहीं है अपने पास। नॉर का, नॉर की टोटल होल्डिंग 21, डीएमसी में 6, टीसी में 15, अपने पास स्पेयर एक भी नहीं। फेवली टोटल होल्डिंग 6, टीसी में 6 लगे हुए हैं, डीएमसी में नहीं है, और स्पेयर अपने पास कुछ है नहीं थ्री फेज का। इसका मतलब अभी एयर ड्रायर ये फेवली के हैं, 12 के 12 डीएमसी में लगे हुए हैं, टोटल होल्डिंग 12 के 12 लगे हुए हैं, स्पेयर कुछ भी नहीं है। पेंटोग्राफ अपने पास नए वाले आए हुए हैं, ये WBL 22.03, ये अपने पास पहले थे AM12, उसके बाद आए हाईरिच वाले WBL 85HR, अभी आए WBL 22.03। इन सब का वर्किंग सेम है, स्ट्रक्चरल डिजाइन अलग अलग है, और कहाँ पे यूज़ करना है वो भी अलग अलग है। टोटल होल्डिंग 12 है, डीएमसी में लगे हुए हैं 12, स्पेयर कुछ भी नहीं है। ये ब्रेक सिस्टम है अपना, कि ब्रेक सिस्टम क्या होता है, कि मेमू में एक स्पेशल टाइप की ब्रेकिंग लगी हुई है जो ब्रेकिंग जो है कम्बाइंड लगती है ब्रेक कंट्रोलर के द्वारा, और एक ब्रेक कंट्रोलर कैब में होता है, उससे कनेक्टेड ईपी यूनिट उसमें टीसी में लगा हुआ होता है, बराबर। इनकी जो मेक आपको पता ही है, एस्कॉर्ट, WSF और नॉर, उनका जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो अलग अलग है, और जो वर्किंग है वो उसकी वर्किंग सेम है। अपने पास दो टाइप की ब्रेक कंट्रोलर में दो टाइप की ब्रेक लगती हैं, एक ईपी ब्रेक, एक ऑटो ब्रेक। ईपी ब्रेक जो है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से ब्रेक कंट्रोलर के द्वारा ईपी यूनिट में सप्लाई जाता है, ईपी यूनिट के द्वारा ब्रेक लगती है। ये ऑटो ब्रेक है, ऑटो ब्रेक में हमारी जो गाड़ी में बीपी प्रेशर होता है, ब्रेक पाइप प्रेशर, उसको ड्रॉप किया जाता है। बीपी प्रेशर को 5 kg होता है, उसको ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद जो एयर का प्रेशर है वो ब्रेक सिलेंडर में जाता है ट्रिपल वाल के थ्रू, उसके बाद अपनी ऑटो ब्रेक लगती है। मेन इक्विपमेंट जो है उसके ब्रेक सिस्टम के, वो ब्रेक कंट्रोलर, ईपी ब्रेक यूनिट, ब्रेक सिलेंडर, ये पार्किंग ब्रेक सिलेंडर होता ही है जो अपने सेक्शन में कवर नहीं होता है। ये ब्रेक कंट्रोलर है, इसका मेक WSF मेक का है, जो कॉम्पैक्ट होता है, जिसको अपने ओवरऑलिंग सेक्शन में करते हैं बीपी चार्जिंग वाल को। ये अपर बॉडी है, और ये बीपी चार्जिंग वाल है इधर, ये BIVS पूरा पोर्शन है। इसके बाद में एस्कॉर्ट का अपने पास ब्रेक कंट्रोलर है, एस्कॉर्ट का ब्रेक कंट्रोलर इस टाइप का दिखता है। ये अपने यहाँ से ब्रेक कंट्रोलर हैंडल है, यहाँ से अपने ब्रेक लगाते हैं। उसके बाद फीडबैक यूनिट है, ऑटो वाल्व यूनिट है ये। उसके बाद MR आइसोलेटिंग वाल्व, MR को आइसोलेट करने का वाल्व है। ये ड्रम कॉन्टेक्टर हैं, BP चार्जिंग वाल्व है। उसके बाद इक्वलाइजिंग डिस्चार्जिंग वाल्व है, आइसोलेटिंग वाल्व है, और BIVS की का पूरा सेट है, BIVS की, बराबर। मतलब ब्रेक कंट्रोलर का वर्किंग सेम है सभी का मेक के हिसाब से, पर उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, अपनी कंपनी अपनी अलग अलग मतलब डिजाइन से बनाती है। उसके बाद ये अपना ब्रेक कंट्रोलर नॉर का है, इसमें ये यहाँ पे एडिशनल लिमिटिंग जो ALV लगी होती है, जो बीपी चार्जिंग के लिए जो बीपी MR से बीपी बनता है वो यहाँ पे लगा हुआ है, बीपी चार्जिंग वाल्व। WSF मेक ब्रेक कंट्रोलर में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनोमेटिक फीडबैक सिलेंडर होता है, ऑटो वाल्व यूनिट होती है, इक्वलाइजिंग डिस्चार्ज वाल्व होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है, जिसको अपने बीपी चार्जिंग वाल्व बोलते हैं।
एमआर आइसोलेटिंग वाला होता है वो बीआईबीएस चालू करने के साथ चालू होता है। फीडबैक सिलेंडर आइसोलेटिंग वाला होता है जो बीआईबीएस की से ही ऑपरेट होता है। हैंड ऑपरेटेड आइसोलेटेड वाल होता है, ड्रम कॉन्टेक्टर होता है वो भी बीआईबीएस की को चालू करने के बाद ही चालू होता है। माउंटिंग ब्रैकेट होते हैं, हैंडल होता है और कवर तो आप लोग खोलते ही हो, कवर होता है। ब्रेक कंट्रोलर में 5 पोजीशन होती हैं, एक रिलीज और रनिंग एक पोजीशन हो गई, फुल ईपी दूसरी पोजीशन हो गई, लैप तीसरी पोजीशन हो गई, ऑटो ब्रेक चौथी पोजीशन हो गई, इमरजेंसी ब्रेक पांचवी पोजीशन हो गई, बराबर। इसके बाद मैंने बताया भी आपको कि ब्रेक कंट्रोलर का जो वर्किंग है वो सेम है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन डिफरेंट होती है, बराबर। उसके बाद वर्किंग ऑफ ब्रेक कंट्रोलर अकॉर्डिंग टू पोजीशन, इसमें पोजीशन मैंने आपको बताई अभी और उन पोजीशनों को ये डिटेल में समझाया गया है यहाँ पे। रिलीज एंड रनिंग पोजीशन, रिलीज और रनिंग पोजीशन में हमारा ब्रेक कंट्रोलर किस टाइप से काम करता है वो आपको समझना है। जब अपने फुल मेमू ट्रेन, पूरी जो मेमू ट्रेन है वो ड्राइविंग कैब से कंट्रोल की जाती है। अपना पुरुषोत्तम टोटल पोजीशन कितनी होती है ब्रेक कंट्रोलर की? तीसरी पोजीशन कौन सी है? लैप। लैप क्या होता है? लैप में जिसने जो भी ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगाई जैसे ऑटो ब्रेक लगाई है उसको लगा के यदि लैप पे रख देंगे तो ब्रेक लग जाएगी। ईपी को लगाएंगे लैप पे रखेंगे तो ईपी कैसे लगी रहेगी? ऑटो में ही लैप पोजीशन काम आती है, बराबर। चौथी पोजीशन कौन सी होती है? ऑटो। ऑटो ब्रेक अपने लगाते हैं तो बीपी कितने से ड्रॉप कम होगा तो ऑटो लगेगी? कितना नहीं, बीपी ड्रॉप होगा तो अपनी लगी रहेगी, बीपी लग जाएगी। और बीपी चार्ज होने पर कितने पे ही ब्रेक रिलीज हो जाएगी अपनी? बीपी चार्ज जैसे होता है 0 से 5 kg तक जाता है, कितना प्रेशर पहुंचते ही ब्रेक रिलीज होना चालू हो जाएगी? 5 तो पूरा होता है ना, 4.2 के बाद रिलीज होना चालू हो जाती है ना, वो पूछ रहा हूँ। उठा के ये वाला पार्ट इसको ऐसा कर लो, ऐसे तिरछा कर लो, उसको वैसे तिरछा कर लो, खड़े हो जाओ, चेहरा हटा दो, पहले चेहरा हटा दो, ये वाला टेढ़ा कर लो, यो 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 ये लगा रहे इधर, लगाओ इसको इधर लगा, उठा के लो, उठा के बापू, उठा के सहावे, सहावे उठा के लो, आवाज जाएगी। बस ठीक है, 4 इधर बैठ जाओ, 4 7 दादा इधर आ जाओ, आप
बस इधर लो तुम्हारी, उसको अंदर ले लो। मनु डायरी कहाँ है? डायरी नहीं लाए। लेके आया करो, बोला था ना, इसमें लिख पाओगे पूरा? डायरी है ना तुम्हारे पास? पुरुषोत्तम डायरी में लिख लेना अपनी। बाबू आप तो डायरी में लिख लो ना, लिख लो डायरेक्ट। हाँ नहीं बाबू, डायरी में लिखना है फाइनली, अभी से लिख लो। बता देना जैसा है। ये ब्रेक कंट्रोलर की पांच पोजीशन मैंने आपको बताई। ये पहली पोजीशन है रिलीज एंड रनिंग पोजीशन, इसमें लिख लीजिए। लाइट जला लो। नहीं चलेगा, सामने देख लो। जलवाऊं लाइट? जलवाऊं? जो हमारी पूरी मेमू ट्रेन है वो ड्राइविंग कैब के ब्रेक कंट्रोलर जो होता है उससे कंट्रोल की जाती है, और जो ब्रेक कंट्रोलर होता है वो हैंड ऑपरेटेड होता है उस, और ब्रेक कंट्रोलर ड्राइविंग कैब में लगा होता है, उसको BIVS की से ऑपरेट करते हैं। एक बार BIVS की ऑपरेट होने के बाद BIVS की ब्रेक कंट्रोलर में लॉक हो जाती है, और उसके बाद उसके जो कनेक्शन है BIVS के कनेक्शन MR पाइप, BP पाइप और BC पाइप को जोड़ देते हैं। BIVS की को चालू करने के बाद MR पाइप, BP पाइप और BC पाइप को एक साथ जोड़ देते हैं, जिससे BIVS चालू करने से जो MR का प्रेशर है वो BP चार्जिंग वाल्व के द्वारा BP के पाइप को चार्ज करता है। हाँ लिख लो, लिख लो आराम से, लिख लो। MR का प्रेशर BP आइसोलेटिंग वाल्व के द्वारा BP पाइप चार्ज होता है। हाँ हाँ अब लिख लो मेरा, देखो आराम से, आराम से। MR का जो प्रेशर होता है, MR का प्रेशर BP पाइप को चार्ज करता है, BP आइसोलेटिंग वाल्व के द्वारा, BP चार्जिंग वाल्व के द्वारा, BP चार्जिंग वाल्व के द्वारा BP को चार्ज करता है। BP चार्जिंग वाल्व लगा होता है ना, BP पाइप, BP चार्जिंग वाल्व के द्वारा BP पाइप को चार्ज करता है।
हो गया। बीआईबीएस की BIBS की को जिस कैब में ड्राइवर ना हो उसमें नहीं लगाया जाता, जिस कैब में ड्राइवर नहीं होता है उसमें BIBS की नहीं लगी होनी चाहिए, यानी BP चार्जिंग चालू नहीं होना चाहिए उसमें। जिस कैब में ड्राइवर है उसी कैब में BIBS लगी होनी चाहिए। BIBS जो की होती है उसको हम चालू करते हैं, BIBS की चालू करने के बाद जो MR का जो आइसोलेटिंग वाल्व है वो MR का प्रेशर BP चार्जिंग वाल्व के द्वारा BP चार्जिंग जो BP पाइप है उसमें प्रेशर को जाने देता है। 7 kg जो MR का प्रेशर है वो BP चार्जिंग वाल्व उसको 5 kg में कन्वर्ट करके BP प्रेशर को चार्ज करता है BP पाइप को। जो BP चार्जिंग वाल्व है सब कुछ मत लिखो ना, वो लिख लो। BP चार्ज हो रहा है 5 kg, MR प्रेशर 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, प्रेशर कन्वर्ट इन 5 kg। BP चार्जिंग वाल्व प्रेशर को रिड्यूस करता है, यानी एक तरह का वो रिड्यूसिंग वाल्व हो गया। हो गया। जब हमारी BIBS की जो है ऑन कंडीशन में होती है तो BP कंटिन्यूअस चार्ज होता रहता है 5 kg पे MR आइसोलेटिंग वाल्व के द्वारा। MR आइसोलेटिंग वाल्व पे BP MR आइसोलेटिंग वाल्व अपने उसमें एस्कॉर्ट में आता है। क्या काम करता है? काम क्या देता है इसको? यानी BP चार्जिंग वाल्व का काम MR आइसोलेटिंग वाल्व करता है एस्कॉर्ट में, बराबर। हो गया क्या? अगर BP प्रेशर में कोई लीकेज है तो इक्विलाइजिंग वाल्व उसको जो BP प्रेशर जो लीक हुआ है उसको मेंटेन करने का काम इक्विलाइजिंग वाल्व का होता है। ये लिख लो, BP पाइप में कोई लीकेज होता है तो उसकी वजह से BP पाइप में प्रेशर में कोई लीकेज होने के बाद ड्रॉप होगा, वो तो ड्रॉपिंग को जो है इक्विलाइजिंग वाल्व मेंटेन करता है। लो लिख लो, इक्विलाइजिंग वाल्व मेंटेन द BP प्रेशर एंड BP पाइप। हो गया। अपने फुल EP इलेक्ट्रोनोमेटिक ब्रेक, ब्रेक कंट्रोलर हैंडल के द्वारा ब्रेक जो है EP फुल EP पे ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेक कंट्रोल के द्वारा ब्रेक सिलेंडर को EP यूनिट के द्वारा पहुंचती है।
जैसे ब्रेक कंट्रोलर को अपने ईपी पे ले जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है बीपी की, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है ईपी को, ईपी यूनिट को इलेक्ट्रिक सप्लाई पहुंचती है, जो बीए रिले है हमारी, बीए बीआर रिले, ब्रेक रिले, ब्रेक एप्लीकेशन रिले, बीए रिले, ब्रेक एप्लीकेशन रिले का होल्डिंग एनर्जाइज होगा पहले। पहले होल्डिंग एनर्जाइज होने के बाद होल्डिंग जो है होल्डिंग कॉइल को एग्जॉस्ट करेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद करेगा। उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पोर्ट है, एप्लीकेशन मैग्नेट वाल, वो एनर्जाइज होगा और एमआर का जो प्रेशर है वो ब्रेक्स, उसके प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू उसमें ब्रेक सिलेंडर में जाने देगा और ईपी ब्रेक लगेगी। बराबर इसका भी सिस्टमेटिक पीछे डायग्राम है, उसमें बराबर समझ में आएगा। जैसे अपने यहाँ पे ये अपने फिंगर कांटेक्ट आप जानते हो, फिंगर कांटेक्ट जैसे ही, मतलब पहले फिंगर कांटेक्ट लगता है होल्डिंग वाला, होल्डिंग लगने के बाद वायर नंबर 3601, ये 3601 वायर नंबर है, इसको सप्लाई मिलेगी, वो होल्डिंग कॉइल को एनर्जाइज करेगी। होल्डिंग कॉइल एनर्जाइज होगी उसके बाद उसका होल्डिंग कॉइल का एग्जॉस्ट पोर्ट बंद होगा। एग्जॉस्ट पोर्ट बंद होने के बाद तुरंत सप्लाई मिलेगी एप्लीकेशन कॉइल को, वो देती है ब्रेक एप्लीकेशन रिले को, ब्रेक एप्लीकेशन रिले का कॉन्टैक्ट क्लोज होता है, उसके बाद वो सप्लाई जाती है एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व में। एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज होने के बाद जो हमारा एमआर का प्रेशर है वो रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू, रिड्यूसिंग वाल्व 7 kg प्रेशर को 3.8 kg में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर में जाने देता है एडिशनल लिमिटिंग वाल्व के थ्रू। एडिशनल लिमिटिंग वाल्व प्रेशर को 1.4 kg में कन्वर्ट करता है, यानी अपने पास दो रिड्यूसिंग वाल्व हो गए एक तरह से। प्रेशर को रिड्यूस करने वाले ही प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व कहलाते हैं। पहला प्रेशर रिड्यूस करेगा 3.8 को 7 में, 7 kg को 3.8 में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद 3.8 जो प्रेशर था उसको एडिशनल लिमिटिंग वाल्व 1.4 kg में या 1.6 kg में, जो हमारी सेटिंग होती है उस हिसाब से हम उनको प्रेशर को सेट करते हैं, वो प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है और ब्रेक लगती है। बराबर ये हमारा जो हमारी ईपी ब्रेक लगती है तो पीछे गया। अलग चला गया लगता है, यहाँ आ रहा। देखो ये हमारी ईपी ब्रेक है। ईपी ब्रेक जब हमारी लगती है तो क्या क्या होता है उसमें ईपी यूनिट में, हम लोग फिजिकली देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ ये डायग्राम है, इसमें देखना होता है। ये हमारा एमआर का प्रेशर है, ये एमआर पाइप है और ये हमारा बीपी पाइप है। एमआर में 7 kg प्रेशर होता है और बीपी में 5 kg प्रेशर होता है। ये हमारा ईपी आइसोलेटिंग वाल, आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है, उसके बाद प्रेशर जो आएगा एमआर का वो ईपी आईसी के थ्रू एप्लीकेशन मैग्नेट वाल में जाएगा। उसके बाद एक चेक वाल जिसको आप बोलते हो वो एनआर टाइप का वाल होता है, नॉन रिटर्न वाल, वो प्रेशर को आगे जाने देगा। उसके बाद प्रेशर रिड्यूसिंग वाल जो है 7 kg जो प्रेशर आ रहा था यहाँ पे उसको 3.8 kg में रिड्यूस करेगा प्रेशर को, फिर प्रेशर आगे जाएगा पाइप के थ्रू। और उसके बाद जो प्रेशर है वो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो अपने एडिशनल एलवी बोलते हैं, एडिशनल एलवी के थ्रू 1.4 kg में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये हैंडल रिलीज वाल्व के थ्रू होते हुए, बोगी आइसोलेटिंग कॉक के थ्रू होते हुए जो पाइप लगा हुआ है ब्रेक सिलेंडर में जाएगा, और ब्रेक सिलेंडर का जो ये सिलेंडर है उसमें ये पोर्ट आगे की तरफ मूव होगा और ब्रेक लगेगी। जैसे ही हम इसको ईपी को रिलीज करते हैं तो यहाँ का जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो बैक पाइप के थ्रू ट्रिपल वाल्व में जाएगा। यहाँ पे यहाँ जाते हुए ट्रिपल वाल्व में जाके इसका, जैसे ही हमको ब्रेक को रिलीज करेंगे तो होल्डिंग जो मैग्नेट वाल्व है ये इसका एग्जॉस्ट पोर्ट बंद किया था पहले, अब उसको खोल देगा तो जो हमारा ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर था वो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। बराबर ये हो गई हमारी ईपी ब्रेक। ऑटो ब्रेक जब लगती है तो ऑटो ब्रेक बीपी ड्रॉप करते हैं हम लोग। ऑटो ब्रेक में बीपी 5 kg से ड्रॉप किया, बीपी 5 kg से ड्रॉप करने के बाद 4.2 kg से नीचे प्रेशर आएगा, 4.2 kg से नीचे प्रेशर आएगा तो ऑटो ब्रेक लगती है। ऑटो ब्रेक में बीपी ड्रॉप किया, जो एआर का जो प्रेशर है, एआर ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो हमारा 81 kg का होता है, 81 kg का सिलेंडर होता है, इसका जो प्रेशर है वो ट्रिपल वाल्व के थ्रू
वापस से ब्रेक सिलेंडर में जाएगा यहाँ से होते हुए, और ऑटो ब्रेक हमारी लगेगी नहीं। ऑटो ब्रेक लगाने के लिए हमको ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर काम में आता है, ये लिख लो। हाँ, एआर का प्रेशर हमको यूज में लेते हैं, बीपी जैसे ड्रॉप करते हैं, ईपी ऑटो ब्रेक लगाने के लिए एआर का प्रेशर काम में आता है। एआर का प्रेशर ट्रिपल वाल के थ्रू ब्रेक सिलेंडर में जाता है और हमारी ऑटो ब्रेक लगती है। जैसे ही हमारा बीपी प्रेशर 4.2 केजी होता है तो हमारी जो ब्रेक है वो रिलीज होती है, ऑटो ब्रेक रिलीज हो जाती है, बराबर। ये पूरा फंक्शन है हमारा ईपी यूनिट का, ठीक। ये समझ में आया ना पूरा, ये ईपी यूनिट का फंक्शन कैसे कैसे, चेक वाल, ट्रिपल वाल, एप्लीकेशन मैग्नेट वाल, होल्डिंग मैग्नेट वाल, ट्रिपल वाल, पूरा ये मतलब एडिशनल लिमिटिंग वाल, ये इसका फंक्शन है। हम लोग जो इसका वर्किंग क्या है वो कैसे है पूरा, इसका समझ में आया सभी को। इसमें एक चीज लिख लो, ईपी यूनिट में कितने वाल आते हैं, ईपी यूनिट तो पूरा कंप्लीट ईपी यूनिट बोलते हैं ना। हां, उसके होल्डिंग, एप्लीकेशन, ट्रिपल वाल, स्टेबलाइजिंग वाल, वो सब लिख लो एक बार। ये वाल लिख लो सारे, देखो ये प्रैक्टिकल आपके सामने जो हमारा एक्चुअल लगा हुआ है। हाँ, ये एस्कॉर्ट का है ना, ये एस्कॉर्ट का है। चेक वाल जो है वो एनआर टाइप का वाल है, ये जरूर ध्यान रखने का। जो नॉन न्यूट्रल वाल जो काम करता है वही चेक वाल काम करता है यूनिट में। पुरुषोत्तम, चेक वाल एनआर टाइप का वाल है, बराबर। प्रेशर को एक बार जाता है तो उसको रिटर्न नहीं आने देता है, ये खास ध्यान रखने का। जो मतलब कुछ अलग होता है उसको लिख लेने का। ईपी यूनिट में कितने वाल्व होते हैं वो लिख लो पूरे। एस्कॉर्ट में कौन सा वाल? फीडबैक सिलेंडर वाल। हाँ, बराबर, फीडबैक वाल वो एस्कॉर्ट में आता है। इसका काम ये है, जैसे अपने WSL की BIVS आती है, बराबर, उसमें तीन कैप रहती है, दो बड़ी एक छोटी WSL में, जबकि एस्कॉर्ट में दो वाल अलग अलग दिए। एक अपन MRI सॉल्यूटिंग बोलते हैं, एक फीडबैक, फीडबैक में जो ब्रेक लगती है मतलब BC प्रेशर जो नीचे से ऊपर आता है किसके लिए, वो सेल्फ ब्रेकिंग वाल्व के लिए, वो प्रेशर वो फीडबैक सिलेंडर फीडबैक वाल्व के द्वारा ऊपर आता है सेल्फ ब्रेकिंग। जब BIVS ऑफ कर दो तो प्रेशर ऊपर आना बंद हो जाता है एस्कॉर्ट में। जब भी BIVS में तीनों वाल्व तीनों साथ में दिए हुए एक ही हैंडल में ऑपरेट हो जाता है, यानी MR BP और BC वो तीन पोर्ट आते हैं, तीनों पोर्ट एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है राम प्रताप जी, आगे क्या बताना अगर नहीं आए तो डिटेल बताएंगे गाड़ी का। देखो इसमें होगा एस्कॉर्ट का इंडिकेटर, ब्रेक कंट्रोलर है उसमें, ठीक है। एस्कॉर्ट का केरन है, एस्कॉर्ट चेक वाल का काम क्या, चेक वाल का काम ईपी में, जब ईपी लगाते हैं तो ईपी का प्रेशर सिलेंडर में जाएगा, एमआर का जो प्रेशर जाएगा ना, मतलब बीसी प्रेशर जाएगा होल्डिंग के उसमें से, और जब वो तो हो गया, फिर जब ऑटो लगाएंगे, ऑटो कहाँ से लगती है, ट्रिपल वाल, ट्रिपल वाल, तो ऑटो लगाने पे वो प्रेशर वहाँ से एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा उसके लिए, रुके रखता है। हाँ, वो उल्टा वाल है, मतलब ईपी में काम करेगा, ऑटो में नहीं करेगा, ऑटो में वैसा काम ओरिजिनल ऑटो काम आता है, ऑटो में ही काम। हाँ, ऑटो में ऑटो ब्रेक जब लगती है तो एआर का जो प्रेशर है ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर ट्रिपल वाल के थ्रू ब्रेक सिलेंडर में जाता है, ब्रेक नहीं जाने देता, उसको फिर हमको एग्जॉस्ट नहीं होने देता है उसको, बराबर। चेक वाल के ऊपर वो एक मिनट कहाँ है ये तो नेट है, जैसे
ये ईपी की ना, ये ईपी ब्रेक लगती है तो सबसे पहले तो हम ईपी ब्रेक की एमसीबी लगी होती है इसकी, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई की एक ही सर्किट है, इतना ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक सप्लाई की यही सर्किट है जो हमको 110 वोल्टेज डीसी जो हमारा जो सप्लाई देते हैं हम लोग ब्रेक कंट्रोलर को, जिसके थ्रू हमारा जो ईपी ब्रेक लगता है, ईपी यूनिट में जो सप्लाई जाता है होल्डिंग और एप्लीकेशन के लिए, होल्डिंग मैग्नेट वाल्व और एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व को, उसकी ये इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्किट है। सबसे पहले तो इस सर्किट में एक 5 एम्पियर की एमसीबी लगी होती है। एमसीबी एक मिनीचियर सर्किट ब्रेकर, एक तरह सर्किट ब्रेकर का काम करता है ये भी, जो हमारा वीसीबी है ऐसा ही है एमसीबी है, ये मिनीचियर है मतलब छोटा है बराबर, ये छोटे करंट के लिए मतलब कम करंट के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसमें सबसे पहले ये एमसीबी के थ्रू सप्लाई जाएगा, ये वायर नंबर 14.2 बनेगा, वायर 14.14.2 बनेगा, 14.02 बीएलकी आएगा, बीएलकी ऑन करेंगे, बीएलकी ऑन करते ही सप्लाई वायर नंबर 14.14.03 हो जाएगा, 14.03 वायर नंबर हो जाएगा। फिर हमारा ईपी सप्लाई जो है बीएलकी में लगा होता है, बीएलकी बीएल बॉक्स में जो लगा होता है, ईपी सप्लाई को स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा ईपी सप्लाई स्विच ऑन नहीं करेंगे तो ईपी ब्रेक हमारा नहीं लगेगा। ईपी सप्लाई स्विच ऑन किया, उसके बाद सप्लाई आगे गया, बीआईवीएस कॉन्टैक्ट में लगा, फिर ये वायर नंबर पूरा 3603 है और ये वायर नंबर 3601 जो होल्डिंग कॉइल को सप्लाई देगा, ये वायर नंबर 3602 जो एप्लीकेशन कॉइल को सप्लाई देगा। तो हमारा पहले कॉन्टैक्ट जो लगता है वो 3601 पे लगता है, तो सप्लाई सीधा ये ब्रेक कंट्रोलर कैम ये ब्रेक कंट्रोलर कैम ऑपरेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ से कॉन्टैक्ट लगा। आपने ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है आप सब लोगों ने, शायद नहीं देखा हो तो दिखा देंगे, ये फिंगर जो फिंगर वो बोलते हैं आपको फिंगर टिप्स, उसके बाद कॉन्टैक्ट लगा, होल्डिंग कॉइल में सप्लाई गया, होल्डिंग कॉइल एनर्जाइज होने के बाद वो एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हुआ, फिर सप्लाई तुरंत उसके तुरंत बाद ही उसका एप्लीकेशन का कॉन्टैक्ट लग जाता है, एप्लीकेशन कॉइल का, फिर इसको सप्लाई मिलता है, उसके बाद ब्रेक सप्लाई ये ऑन रहती है, इंडिकेशन दिखाता है कि ब्रेक लगा मतलब सप्लाई मिल रहा है। उसके बाद आगे सप्लाई जाता है, जो हमारी बीए ब्रेक एप्लीकेशन रिले कॉइल होती है, पहले होल्डिंग कॉइल को सप्लाई मिलेगा, उसका जो कॉन्टैक्टर है वो क्लोज होगा, फिर सप्लाई होल्डिंग कॉइल एनर्जाइज होगी, होल्डिंग मैग्नेट कॉइल, उसके तुरंत बाद हमारा एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट जो बी जो हमारी ब्रेक एप्लीकेशन की जो रिले है, एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट क्लोज होगा और उसके बाद एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व को सप्लाई मिलेगी। यानी सबसे पहले अपने को दिमाग में रखना है कि जो हमारी होल्डिंग कॉन्टैक्ट है वो पहले क्लोज होगा, उसका एग्जॉस्ट पोर्ट बंद होगा, फिर उसके बाद बीए की जो एप्लीकेशन कॉइल है, ये बीए रिले जो है ब्रेक एप्लीकेशन रिले का एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट को सप्लाई मिलेगी और एमआर का जो प्रेशर है वो आगे जाने देगा और हमारी जो ईपी ब्रेक है वो हमारी ईपी ब्रेक लगेगी, फिर उसके बाद वो इंडिकेशन के लिए ब्रेक एप्लीकेशन लाइट इंडिकेशन ग्लो करेगा कि ब्रेक ईपी लगी हुई है। ये इसका इलेक्ट्रिक सप्लाई है, कौन से वायर से सप्लाई जाता है, आप लोग जो वायर खोल के देखते हो तो उसमें आपको यहाँ से आइडिया आएगा कि हमको होल्डिंग के लिए 3601 वायर नंबर काम में आता है, एप्लीकेशन के लिए 3602, ये तो हो गया तुम्हारा ब्रेक कंट्रोलर में। इसके बाद ये रिले लगी होती हैं दो, एक रिले होती है ब्रेक एप्लीकेशन रिले होल्डिंग कॉन्टैक्ट के लिए, एक एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट के लिए। उसके बाद जो सप्लाई है वो सीधा ईपी यूनिट में चला जाता है, ये ईपी यूनिट हो गई, यहाँ होल्डिंग मैग्नेट कॉल को सप्लाई मिलेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन मैग्नेट कॉल को सप्लाई मिलेगा। ये वायर नंबर 37 और 38 होल्डिंग के लिए, 38 एप्लीकेशन के लिए, ये लिख लो, ये वायर नंबर लिख लो 3601। देखो ऊपर से लिखना चालू करो, यहाँ से एमसीबी एक लगी हुई है बराबर, एमसीबी कहाँ लगी है मालूम है किसी को? कितने एम्पियर की लगी है? नहीं कितने, वो 5 एम्पियर कहाँ पे लगी है देखा हुआ है? ये एमसीबी अगर बंद है तो ईपी नहीं लगेगी ना, हाँ पूरे बंद रहेगा, तो इसको बंद कर दो।
अच्छा यहाँ शॉर्ट होगा तो 5 एम्पीयर से ऊपर करंट ज़्यादा जाएगा तो ट्रिप हो जाएगी। उसमें 15 एम्पीयर की डालेंगे। BIBS ऑन करने पे कौन कौन से कॉन्टैक्ट चालू होते हैं? बीपी चार्ज होगा, बीपी का एमआर का पाइप बीपी से जुड़ जाएगा और बीपी का पाइप बीसी से जुड़ जाएगा, ऐसे ही ना ब्रेक सिलेंडर का। नहीं नहीं ये BIBS चालू करते हैं तो क्या क्या ऑपरेशन होते हैं? BIBS में 3 पोर्ट दिए हुए हैं, बराबर। WSF में 3 दिए हुए हैं, एस पोर्ट में अलग अलग वाल दिए। एक BIBS में 2 होल रहते हैं, एक ऊपर MR आइसोलेटिंग वाल है और एक नीचे आइसोलेटिंग वाल दिया है, बराबर। 3 वाल हो गए, जबकि WSF में कंबाइन में दिया हुआ है एक साथ। उसमें एक होता है पहले तो ऑन करने में MR ऊपर जाएगा BP चार्जिंग में, यानी एक पोर्ट MR का हो गया जो इसके अंदर ऊपर दिया हुआ MR आइसोलेटिंग वाल लिखा है, वो वाला, बराबर। दूसरा आएगा नीचे दिया आइसोलेटिंग वाल, वो फीडबैक वाला बताया उसके जैसा, वो बीसी के लिए, मतलब उसको ऑन करोगे तो ऊपर सेल्फ लिमिट में बीसी प्रेशर आएगा, नहीं तो बीसी प्रेशर आएगा नहीं। मालूम है अभी बीसी बनता कहाँ से, वो तो मालूम है ना, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कहाँ से बनता है? ईपी यूनिट से, बराबर। तो ईपी यूनिट से सेल्फ लिमिट में आने के लिए चाहिए रास्ता, चाहिए तो वो रास्ता वहाँ से आइसोलेटिंग वाल से। और तीसरा जो रहता है वो बीपी को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब पूरी गाड़ी में बीपी भेजने के लिए, वो तीसरा स्क्रीन रास्ते हुए एक MR का, बीपी का और पीसी का, BIBS में जो न्यूमेटिक का रास्ते है। अभी इलेक्ट्रिक में वो वाले निकालो सब नहीं, और बताई दो, तमाम बताई दो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कटा रहता है, BIBS बंद रहती है तो BL बॉक्स के की में, बराबर। लेफ्ट साइड में फर्स्ट, सेकंड रो में, सेकंड रो में, सेकंड रो में पहला, बराबर। नीचे वाले सेकंड रो में पहला, हां वो हो गया, पहली वाली बंद हो गया। नाउ ये BL स्विच ईपी सप्लाई ऑन किया, उसके बाद आया तुम्हारा ये BIBS कॉन्टैक्ट। देखो अभी ये दूसरा जो होता है ना, BIBS ऑन करने में क्या होता है, ये BIBS ऑन कर दे तो ये कॉन्टैक्ट लग जाएगा इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए, बराबर। उसके बाद ये तुम्हारा ब्रेक कंट्रोलर का कैम, कौन सा वाला मेन सप्लाई, ये ऊपर वाला है वो मेन सप्लाई, बराबर। उसके बाद जब ब्रेक कंट्रोलर ऑपरेट करोगे तो पहले जाएगी होल्डिंग में सप्लाई, होल्डिंग में सप्लाई गई, ये बी ए रिले आ गया, ये बी ए रिले का होल्डिंग कॉन्टैक्ट आया, ये ऑपरेट हो गया, ये कॉन्टैक्ट हो गया। इसके बाद ये 37 नंबर पूरी रैक में चला गया, आगे पीछे नहीं भी, मतलब जहाँ कुछ बराबर कुछ पीछे रैक में जितने 37 सब में गया, मतलब होल्डिंग में सब में सप्लाई गया। उसके बाद होल्डिंग आपकी एनर्जाइज हो गई, और जो इसमें वो बताया होल्डिंग एनर्जाइज हो गई, एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो गए, बराबर। सेम कंडीशन यहाँ पे, एप्लीकेशन लगाए, एप्लीकेशन लगाए, एप्लीकेशन का कॉन्टैक्ट बी ए रिले पे कॉन्टैक्ट ऑपरेट हो गया, वो सप्लाई एप्लीकेशन कॉइल में गया, अपने ईपी में कॉइल में गया, और ये एप्लीकेशन अपनी एनर्जाइज हो गई, तो आपका ईपी ब्रेक लग गया, जो कंडीशन यहाँ थी वो कंडीशन आ गई, बराबर। जो
सेम रिलीज में हो गया, फिर रिलीज करेंगे तो एप्लीकेशन पहले छूट गई, होल्डिंग बाद में छूटी। और ये अपना जो ब्रेक सप्लाई उनका इंडिकेशन बताता है, जब ईपी लगती है तो ये इंडिकेशन बताता है ईपी ऑन है, ब्रेक ऑन वाला, बराबर। इसमें कुछ है भी किसी को डाउट? अभी एक सवाल बताता हूँ, मतलब सवाल पूछता हूँ। बीए रिले सब कुछ में सब डीएमसी में लगी रहती है, मान लो अपन ने कोई एक डीएमसी से ऑपरेट किया तो दूसरे में ऑपरेट होगी कि नहीं होगी बीए रिले, मालूम है किसी को? होगी, होगी ना, सब डीएमसी में होगी क्या? जैसे 20 की रह के तो 5 बीए रिले हो गए, बराबर, कैसे होगी? नहीं तो रिले कहाँ से होगा? ऑपरेट होने के बाद 37 में जा रहा है, सप्लाई जा रही है, और 37 थ्रू आउट वायर रहती है पीछे तक, 37 38। कैसे हो बताओ ना, वो बताओ ना, ये रिले तो पहले हो गए ऊपर, पहले जिसमें भी आई आप की लगाओगे जहाँ से ऑपरेट करोगे वहाँ उसके रिले ऑपरेट होगी, दूसरे की नहीं होगी। ये सवाल कोई करेगा नहीं, लेकिन ये तो मैंने बहस की हुई इसके लिए मालूम है मेरे को, कैसे जी के साथ बहस होगी चीज के बाद, मतलब नहीं होगा, नहीं पता इसका। फिर चलो ठीक है, आगे जाना, कैसे सप्लाई मिलेगा फिर इसमें? ब्रेक लगेगी, लेकिन ब्रेक कहाँ लगती है? ईपी यूनिट से, बीए रिले से नहीं। बीए रिले तो आप जहाँ बीए की लगाओगे वहीं ऑपरेट होगा, बस वहाँ जहाँ से ऑपरेट करोगे वहीं लगेगा। यानी यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट लग जाएगा होल्डिंग का। आपने एक चीज देखी है बीए रिले, मेरी बात सुनो, बीए रिले तक जो केबल जाती है वो कैसी रहती है? मोटी रहती है ना, मतलब बीए रिले में ये अपना इसका एम्पियर ज्यादा रहता है, मतलब जितना फोर्स लगे उतना एम्पियर पड़ेगा उसमें, इसके लिए इंपीडेंट का फ्लेक्सिबल वायर है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना पूरी गाड़ी का। आपको मतलब वो 37 बन के पूरे कोचों में ब्रेक लगेगी, लेकिन बीए रिले ऑपरेट नहीं, बीए रिले एक ही होगी जहाँ से आप ऑपरेट करोगे, कंफर्म कर लेना कहीं करना हो तो। अरे इसका मतलब ये जो ब्रेक एप्लीकेशन रिले है ये एनर्जाइज हुई, इसके बाद इसका कॉन्टेक्ट लगा, सप्लाई सीधा ईपी यूनिट सबको मिल गया थ्रू आउट, दूसरे बीए रिले को ओपन मतलब एनर्जाइज होने की जरूरत नहीं है, मतलब ही नहीं है। जो वर्किंग डीएमसी है उसका ही बीए रिले एनर्जाइज होगा, बराबर, ये लिख लो ऐसा लिखना हो तो, ठीक है। ये हो गया ब्रेकिंग का, वर्किंग डीएमसी में बीए रिले एनर्जाइज होगी, बाकी की डीएमसी में नहीं होगी, जो वर्किंग डीएमसी है वहीं से कॉन्टेक्ट लग जाएगा। सवाल ऐसा कोई आएगा नहीं तो मेरे दिमाग में चल रहा मतलब हाँ सही है। ये जो अभी समझाया मैंने, होल्डिंग पोजीशन, सेल्फ लेपिंग पोजीशन, रिलीज पोजीशन, ये पूरा अभी प्रैक्टिकली समझा दिया इसमें। ये होल्डिंग लगता है पहले, जब हम लोग ईपी लगाते हैं, तो पहले होल्डिंग कॉन्टैक्ट लगा, बराबर, ये पूरा उसका समझाया हुआ कैसे कैसे सप्लाई जाएगा जो अभी समझाया प्रैक्टिकली। फिर उसका सेल्फ लेपिंग पोजीशन, वो वायर नंबर 37 38 को सप्लाई कैसे, मतलब ये 37 को जाएगा सप्लाई, फिर ये अपना एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज होगा सेल्फ लेपिंग पोजीशन में, फिर रिलीज पोजीशन में जो हमको वापस बताया कि एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा, और जो बीसी का प्रेशर है, ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है, वो वापस एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू ब्रेक रिलीज हो जाएगी। ये आता है अभी लैप पोजीशन। लैप पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जो ऑटो ब्रेक को, जितनी हम लोग ऑटो ब्रेक मतलब जैसे हमने ऑटो ब्रेक लगाई 1 kg की, तो 1 kg की जो ब्रेक है वो कंटिन्यू लगी रहे, वो लैप पोजीशन होती है। लैप पोजीशन में कौन सा 3 वाल्व होते हैं ना, लैप पोजीशन जो होती है, हाँ, तो उसमें लैप पोजीशन में वो बंद हो जाते हैं, बीपी चार्ज नहीं होता। अच्छा, बीपी चार्जिंग बंद हो जाएगा।
ये मतलब ये है कि ऑटो जितनी जितनी है, 1 kg लगे तो 1 kg, 1.2 लगे तो 1.2, 0.8 लगे तो 0.8, उतनी जितनी हमारी BC यानी ब्रेक सिलेंडर में जितना प्रेशर था उतना का उतना रोक के रखता है, होल्ड करके रखता है ब्रेक को। हाँ, BP चार्ज भी नहीं होगा, BP ड्रॉप भी नहीं होगा, उसको होल्ड कर देता है, उसके पोर्टों को बंद कर देता है लैब पोजिशन। ठीक है पुरुषोत्तम, अभी तेरे को ये नहीं पता था लैब, ये लैब पोजिशन, ये लैब पोजिशन में क्या है सेल्फ लैपिंग है, ईपी नहीं, ईपी नहीं होगी ना, ईपी में क्या इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, वो सीधा इलेक्ट्रिकल सप्लाई BA रिले के थ्रू चला जाता है। इमरजेंसी एक ऑटो ब्रेक ही तो है, इमरजेंसी में ईपी ऑटो दोनों लगती हैं। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो इसमें, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ऑटो ब्रेक को जितनी लगी हुई है उतने को रोकने के लिए लैप पोजीशन होता है। बापू एक्सपीरियंस बताओ, ईपी को रोकने के लिए लैप पोजीशन काम आएगी, ये इनको समझाओ राम प्रताप जी को। नहीं मजाक नहीं चल रहा ना यहाँ, ये मजाक नहीं चल रहा ना यहाँ, ये ऑटो ब्रेक, ऑटो ब्रेक एप्लीकेशन सुनो, अब सुनो सुनो, ये प्रैक्टिकल वहाँ करेंगे, समझ लो लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो राम प्रताप जी, नहीं इनका क्वेश्चन है वो लिख लो, वहाँ डाउट क्लियर करते हैं। ये है कि ईपी को लेफ्ट पोजीशन पे रख देंगे तो ईपी लगी रहेगी, ये क्वेश्चन है, ईपी लगी रहेगी, लगी रहेगी वही तो है, सर ने पूछा था, मैंने एक बोला था, राम प्रताप वही बोल रहा है, यानी लैब पोजीशन दोनों में काम आएगी, मतलब लैब में क्या ईपी रिलीज नहीं हो जाएगी, एप्लीकेशन कॉइल कांटेक्ट छोड़ देगी, हाँ लगी रहेगी, होल्डिंग लगी रहेगी, रिलीज ब्रेक लगी लगी रहेगी ना, आपको मैंने ये बताया था सर, ईपी ब्रेक लगाई उसको लैब पे ले गए, ईपी लगी रहेगी, नहीं देखो जो बुक में लिखा है वो पढ़ा है मैंने, ठीक है अपने अभी बुक, हाँ जो बुक में लिखा है वो है, प्रैक्टिकल देखेंगे। चलो ये ऑटो ब्रेक है, ऑटो ब्रेक अभी मैंने उसमें बताया, ऑटो ब्रेक जो बीपी प्रेशर 5 kg होता है, 5 kg बीपी प्रेशर को हम लोग ड्रॉप करते हैं, ब्रेक ब्रेक जो ब्रेक कंट्रोलर हैंडल है उससे बीपी को ड्रॉप करेंगे, बीपी 5 kg होता है उसको ड्रॉप किया, बीपी आया 3.5, 3.8, जो भी 4.2 से नीचे आया, तो हमारा जो AR का प्रेशर है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर का जो प्रेशर है वो ब्रेक सिलेंडर में ट्रिपल वाल के थ्रू ब्रेक सिलेंडर में जाएगा और ऑटो ब्रेक लगेगी, बराबर। जैसे ही हमारा प्रेशर BP प्रेशर 4.2 kg से ऊपर जाएगा तो AR चार्ज होना चालू हो जाएगा और ऑटो ब्रेक रिलीज हो जाएगी, बराबर। 4.2 हाँ, लगना शुरू होगा, बराबर ना दादा, हाँ मतलब अपनी, हाँ BP ड्रॉप करना चालू करेंगे 4.2 तक तो नहीं लगेगी, उसके बाद लगेगी, किसी में 4.5 है, सबके अलग अलग सेटिंग है। इमरजेंसी ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक कंट्रोल हैंडल को अपने इमरजेंसी ब्रेक पे लगाते हैं तो वहाँ पे अपनी बीपी प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है स्पीड में, ठीक है, उसके बाद जो AR का प्रेशर है वो मतलब AR का प्रेशर उसमें ब्रेक सिलेंडर में जाएगा, ब्रेक सिलेंडर में पहुंचने के बाद अपनी ऑटो ब्रेक लगेगी, उसके बाद यानी इमरजेंसी, अब जब अपने ब्रेक लगाते हैं तो उसमें EP और ऑटो दोनों ब्रेक लगती हैं, टेकिंग द ब्रेक कंट्रोलर हैंडल ऑन इमरजेंसी पोजीशन, देन क्लोज द होल्डिंग एंड एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट
देन ईपी इज ऑल्सो अप्लाइड, यानी एप्लीकेशन इमरजेंसी ब्रेक लगाने पे हमारे ईपी ऑटो दोनों लगेंगे, यानी बीपी भी ड्रॉप होगा और इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन थे हमारे वो भी लगेंगे, ईपी ऑटो ईपी सॉरी ऑटो और ईपी दोनों ब्रेक हमारी इमरजेंसी में लगती हैं, बराबर ये लिख लो, इमरजेंसी में हमारी ईपी ऑटो दोनों ब्रेक लगती हैं, यानी बीपी भी ड्रॉप होता है और इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी मिलती है ईपी यूनिट को। यानी जब हम लोग इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो ईपी ईपी ब्रेक और ऑटो ब्रेक दोनों लगती हैं, यानी बीपी ड्रॉप भी होता है, बीपी ड्रॉप अपनी लैंग्वेज में लिख लो आपको अपने समझ में आना चाहिए, बीपी ड्रॉप होता है और चार्जिंग बंद हो जाता है, और बीपी चार्जिंग बंद हो जाता है, ईपी ड्रॉप होता है, यानी ऑटो ब्रेक लग गई और इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलेगी बीए रिले को, उसका जो एप्लीकेशन मैग्नेट वाल होल्डिंग मैग्नेट वाल ये एनर्जाइज होंगे, उसके बाद ईपी लग जाएगी, नहीं लगेगी ना ईपी, नहीं लगेगी पर ऑटो लगेगी सिर्फ, ईपी हमेशा ऑन ही रहती है, ऐसे कैसे रख दोगे, चार्जशीट मिल जाएगी वो उनके रूल हैं, आप गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हो, जो सिखाया है वैसे नहीं चला रहे हो आप, ईपी सप्लाई हमेशा ऑन रहती है, आप बंद नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी है, नहीं रख सकते आप, यानी आप ड्राइवर नहीं हो फिर परफेक्ट, आप ड्राइवर के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, यानी आप पैसेंजर की जान से खेल रहे हो, ये वाला हल हो गया, बराबर। ईपी ऑन है तो दोनों ही लगे, हाँ ईपी सप्लाई हमेशा ऑन रखता है ड्राइवर, जैसे ही चढ़ेगा ईपी सप्लाई ऑन करेगा, जिसको वो करनी होती है चेक करता है पूरी गाड़ी, यानी ईपी खराब हो जाती है उस कंडीशन में बंद करेगा, उस टाइम पे ऑटो से गाड़ी चलाएगा, पर ऐसा ड्राइवर ऑटो से गाड़ी ज्यादा नहीं चला सकता, लाइन क्लियर कर सकता है बस, या स्टेशन तक पहुंचा सकता है, बराबर। उसके बाद पेंट ब्रेक कंट्रोलर में कोई डाउट हो तो पूछो, किसमें दादा ये ऑटो यूनिट का होता है, हाँ ये ऑटो वाल्व यूनिट, ऑटो वाल्व यूनिट दादा इसको बताओ ना, ऑटो वो प्रैक्टिकल अपन वहां करेंगे उसको, क्योंकि यार समझ में नहीं आएगा इसका डिटेल है नहीं अंदर वाला, हां तो ये हुआ ना जैसे नॉर्मल कंडीशन में बीपी चार्ज करता है वो वहां से होगा एमआर उसके अंदर जाएगा, जो अपना ये एमआर आइसोलेटिंग वाल्व उसमें भी रहते हैं ऊपर जो चार कैप रहती है साइड में, कौन सा वो नहीं ये तो अलग है, वो वाला अलग है उसके अंदर ऑटो यूनिट में अलग वाला थे, ऑटो यूनिट के वाल की बात वो अंदर वाला एक सर्किट है ना नॉर का, वो जहां पे एरर मारा ना कलर, हां यार इसको जूम करो, हां ये कलरिंग वाला जूम करो, ये जूम नहीं होगा इस पर, ये नहीं होगा, एक मिनट देखता हूं, चलेगा चलेगा, नहीं हो रहा, देखो ये देखो अभी इधर ए डब्ल्यू एस एफ टाइप का अपना नॉर का ये यूनिट पर ब्रेक कंट्रोलर, इसमें एक कुछ लिखा हुआ है देखो बीपी चार्जिंग साइड लिखा है यहाँ पे बराबर, यानी नॉर्मल कंडीशन में जब हैंडल रिलीज पे है उस टाइम में ए बी सी डी वाले जो रहते हैं चार ये खुला रहेगा, ए बी खुला रहेगा, ए बंद रहेगा, उसमें दिख नहीं रहा ना वो बीपी चार्जिंग ही लिखा है, हाँ बीपी चार्जिंग बीपी आइसोलेशन बीपी आइसोलेशन बीपी आइसोलेशन बराबर, हाँ इसमें कंडीशन यही होती है कि जब आप ऑटो लगाते हो ना तो एक ये इसका ड्रॉपिंग का काम करेगा, एक बार कहाँ से ब्रेक कंट्रोलर के एग्जॉस्ट में या एग्जॉस्ट दिया होगा, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला है ना पहले तो ये बैठा लो, ग्रीन वाला जो है वो बीपी प्रेशर है बराबर, जो जो ये पर्पल कलर है पिंक जो है इक्वलाइजिंग रिजर्वायर का ये प्रेशर है, जो इक्वलाइजिंग रिजर्वायर है उसका प्रेशर है, और जो ये ब्राउन टाइप का है ये एमआर का प्रेशर है, पहले ये क्लियर कर लो, इसमें लिखा है साइड में ये लिखा
और फिर ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो रेड कलर का है, जो अभी इसमें रिलीज, अभी हमारी जो BIBS है नहीं, इसमें ब्रेक रिलीज है ना, रिलीज एंड रनिंग पोजीशन में रखा हुआ है हमारा ब्रेक हैंडल, तो हमारा BC प्रेशर बनेगा ही नहीं, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, बराबर ऊपर लिखा हुआ रिलीज एंड रनिंग पोजीशन, जैसे ही हम इसको ब्रेकिंग करेंगे तब हमारा BP का प्रेशर बनेगा। ये कौन सा था, ब्लू वाला कौन सा? ये हमारा इक्वलाइजिंग रिजर्वायर, इक्वलाइजिंग रिजर्वायर, MRBP, ये पहले MR है, हाँ फर्स्ट वाला MR है, फिर BP है, बराबर MR का प्रेशर है। देखो इसमें WSM टाइप की है, इसमें तीन वेंट दिए हुए हैं, तीन रास्ते जो अपन बोल रहे थे ना, एक हाँ एक MR का, एक BP का और एक BC का, ये BC वाला होगा वाइट, यानी अभी ब्रेक लगी नहीं है तो उसमें वाइट बताया कुछ आया, हाँ मतलब रिलीज एंड रनिंग पोजीशन पे, ये सीधा सेल्फ लिपिंग में जाएगा ऊपर, जब ब्रेक लगाने के बाद BC प्रेशर आएगा सेल्फ लिपिंग के लिए, जो अपन स्टेप लेते हैं ना उसके लिए सेटिंग चलेगी। किसका प्रेशर बढ़ जाता है, MR का, BP का, BC का? वैसे ही बोलो बोलो, बताओ बताओ। BC का तो बढ़ेगा ही ना, BC को लगा ही रहे तो फिर AR का, AR का, AR का, जब जब जितनी बार हम इसको लगाते हैं उतनी बार AR का प्रेशर बढ़ता है, बराबर 5 के से ऊपर हो जाता है, 5.1 5.2 जैसा। तो कुछ प्रेशर ये अपना स्टेप लाइटिंग बार पीछे बल्ब दिया हुआ है जिसको बल्ब बोलते हैं, उसमें भेजता है, कुछ अपने द्वारा एग्जॉस्ट से बाहर निकालता है, कैसे उस प्रेशर को ये मेंटेन कर लेता है, ये कार्य इक्वलाइजिंग बार, ताकि ब्रेक अच्छी तरह से रिलीज हो सके। रिलीज तो हो ही जाएगी ब्रेक, इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें एक सीधा सा वो है कि जितना BP है उतना AR होना चाहिए, BP बढ़ा तो AR बढ़ेगा, लेकिन AR बढ़ा BP 5 रहा तो क्या होगा, BP 5 रहेगा और AR 5.2 5.3 होगा तो क्या होगा, AR का प्रेशर सीधा BC में घुस जाएगा, ट्रिपल वाल को ऑपरेट करके 5 से ज्यादा हुआ तो होगा, वो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए स्टेबिलाइज, इतनी बार EP लगाते हो ना उतनी बार स्टेबिलाइजिंग वाल से हवा निकलती है आगे एग्जॉस्ट दिया हुआ, बराबर वो क्या है, वो जो ये बल्ब बोलते हैं ना पीछे एक सिलेंडर दिया है EP के पीछे, वो ड्रेन हो जाता है, खाली हो जाता है, जैसे EP रिलीज करते हैं वो वापस भर जाता है। तो दादा दो सिलेंडर दिए हुए हैं, दो सिलेंडर दिए हुए, दोनों इक्वलाइजिंग के, एक में कर दिया नहीं, थ्री फेज आ रही है उसमें दो हैं, थ्री फेज का वो उसका है सेंसर वाला, जिसके सेंसर के कांटेक्ट है 1.4 1.2 दो सिलेंडर एक आड़ा वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, हां एक अपना स्टेबलाइजिंग का और एक उसका सेंसर के लिए प्रेशर मेंटेन, सेंसर को चलाने के लिए, वो आगे जो सेंसर है उसका कांटेक्ट उसके, मतलब ब्रेक कंट्रोलर का ये आया है ना पूरा समझ में, कोई डाउट हो तो पूछिए, हैं प्रेशर मेंटेन करने के लिए रखा तो है, हां यहां पे मेरे भी बता रहे चार दिन डिस्चार्ज हुआ, हां इक्वलाइजिंग डिस्चार्ज हुआ, इक्वलाइजिंग डिस्चार्ज वाल्व, इक्वलाइजिंग डिस्चार्ज डिस्चार्ज वाल्व भी, चार्जिंग नहीं है, नहीं चार्जिंग है, ये रहा नीचे की तरफ डिस्चार्जिंग ऊपर की तरफ चार्जिंग, हाँ JEE के लिए इन्होंने पूरा पढ़ा है, हो सकता है, ऊपर चार्जिंग है, ऊपर वाला जो है ना ये वाला इक्वलाइजिंग चार्जिंग वाल्व, ये वाला ये इक्वलाइजिंग चार्जिंग वाल्व, ये इक्वलाइजिंग डिस्चार्जिंग वाल्व, बराबर अब ये भाई मैं देखो गलत तो नहीं पढ़ाऊंगा, जो नहीं पता वो नहीं बताऊंगा, इक्वलाइजिंग वाल्व नहीं है वो, इक्वलाइजिंग को प्रेशर भेजने वाला, इक्वलाइजिंग को चार्ज करने वाला वाल्व, जो ऊपर बता रहा ना, और दूसरा वाल्व वो डिस्चार्ज करने वाला, इक्वलाइजिंग तो अपने इसके अंदर रहता है, ये साइड में ग्रीन वाला दिखता है जो नीचे, इक्वलाइजिंग डिस्चार्ज वाल्व, हां वो जो इसमें ये रहा इक्वलाइजिंग डिस्चार्ज वाल्व, हां
इक्वलाइजिंग डिस्चार्ज वाल्व ये रहा, इसमें क्या चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते वाला ऊपर, हां ये ऊपर वाला चार्जिंग करता है, नीचे वाला डिस्चार्जिंग, इक्वलाइजिंग डिस्चार्जिंग वाल्व है। अभी उसका काम क्या है, मैंने ज्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा है कि आप ऑटो लगा के रिलीज करते हो ना, तो वो बीपी प्रेशर चार्ज करने में हेल्प करता है, ऐसा कुछ है। मेरे को ज्यादा समझ में तो नहीं आई, इस हिसाब से थोड़ा वो करवा उसका वो काम है सर। ब्रेक कंट्रोलर प्रैक्टिकली और देख लेंगे, कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, अभी लिख के रखना, जो भी है जो भी डाउट है वो लिख लेना प्रताप जी। मैं क्या कौन सा ये सेल्फ क्लिपिंग वाला, वो बेसिक प्रेशर ऊपर आके अपन स्टेप सेट करते हैं ना उसके, वो ब्रेक लगने के बाद ही होता है, ब्रेक लगने के बाद उसके अंदर प्रेशर आता है। ये जो यहाँ पे नीचे बताया हुआ है देखो, व्हाइट लाइन जा रही है पूरी ऊपर तक, ये बीसी का, ये बीसी की पाइप है बराबर, ये जो जा रही है, ये जा रही है देखो यहाँ तक, ये जा रही है यहाँ तक, सेल्फ लेपिंग वाल्व, सेल्फ लेपिंग वाल्व काम वही, बीसी प्रेशर ऊपर जाएगा, जैसे अपन 0.5 में ब्रेक ईपी लगा के छोड़ दी, तो बीसी प्रेशर अगर वहाँ उतने में पहुंच गया तो वो स्टेबल हो जाएगा वही, अपन जो स्टेप बोलते हैं स्टेप स्टेप चले ईपी ब्रेक लगा स्टेप, वो उसके लिए ईपी में देखो कई बार तो 0.5 0.8 1.0 1.2 अगर यहाँ से बीसी प्रेशर ऊपर जाना बंद कर दो तो स्टेप आएगा नहीं, डायरेक्ट ईपी लगेगी। मतलब ईपी को स्टेप में लगाने के लिए, हाँ सेल्फ लेपिंग सिलेंडर, हाँ सेल्फ लेपिंग वाल्व बराबर। अच्छा ये जो हैंडल है, ये बताओ मेरे को, ये जो हैंडल है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ क्यों आ जाता है, भले रोक के रखते हैं बीपी रिलीज, मतलब रिलीज भी हो जाती ब्रेक, फिर भी हैंडल नीचे की तरफ क्यों आता है, इसमें कुछ स्प्रिंग टाइप लगी है, कुछ यहाँ पे कुछ स्प्रिंग टाइप लगी हुई, ये मतलब अभी जो हमारी गाड़ी है आज की 20,049 उसमें भी थोड़ा आगे आ रहा है, तो उसके लिए ये इसको वहीं पे रोकने के लिए बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में उसके लिए क्या करना होगा। हाँ जो 20,049 है उसमें प्रॉब्लम आज है, कौन है इस पे दो नंबर एक नंबर पे, जीरो प्रेशर में हो जाता है, बिल्कुल जीरो है गाड़ी, डेड है फिर भी आ रहा है। तो इसको कर सकते हैं ना हम लोग स्प्रिंग सही करके, यानी कुछ डालना नहीं वही हो जाएगा इसमें, तो जो 20,049 उसमें प्रॉब्लम है आज की, लेकिन उससे अगर कोई फर्क नहीं आता है तो कुछ नहीं करेंगे। ड्राइवर बुकिंग इसी पे तो देता है, नहीं एक बार दिया था, ड्राइवर बुकिंग अलग था, ड्राइवर बुकिंग क्या देता है, उसने ब्रेक रिलीज करी और हैंडल छोड़ दिया, जब तक सेल्फ लिपिंग वाल का प्रेशर जीरो नहीं होगा तब तक वो हैंडल वापस आ ही जाएगा, और वो बराबर है, वो एक आया था बुकिंग उसमें जीरो नहीं करेंगे प्रेशर, बीसी का प्रेशर जीरो नहीं होगा, उससे पहले छोड़ दोगे तो हैंडल थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो एप्लीकेशन लग जाएगी, लगी रहेगी, यानी स्टेप में लगी रहेगी ईपी ब्रेक बराबर, बिल्कुल जीरो करके छोड़ते हैं फिर भी आ रहा है इसमें, नहीं लेकिन ब्रेक नहीं लग रही, ब्रेक रिलीज है, हाँ ब्रेक नहीं लग रही है ना, लेकिन हाँ ब्रेक नहीं लग रही, उसमें एक दूसरा भी हो सकता है, अपने हैंडल के अंदर एक वो की लगी हुई है लॉकिंग की, उसमें आगे का ग्रुप खराब है या की घिस गई है, वो टेपर पोर्शन उसको बाहर धकेल देगा वापस। चलो इसका ब्रेक कंट्रोलर का प्रैक्टिकल देखेंगे, अभी आते हैं अपनी पेंटो पे, ये पेंटो बराबर, पेंटो पे सभी ने काम किया ही है, ठीक है, ये इसकी जो असेंबली है अलग अलग, कि ये अपर आर्टिकुलर असेंबली है, ये रॉड जो है नीचे पेंटो पान के नीचे, ये प्लंज, ये जो नीचे वर्टिकल टाइप में जो है ये प्लंजर बॉक्स हैं, ये प्लंजर बॉक्स हैं, सॉरी प्लंजर बॉक्स असेंबली है ये, और ये जो नीचे रॉड है ये पुश रॉड है जो सर्वो मोटर से कनेक्ट होती है, पुश रॉड उसको पुश करने के लिए, ये सर्वो मोटर है, और ये जो सर्वो मोटर के और उस पुश रॉड के बीच में जो लगी है वो मैकेनिज्म असेंबली है, ठीक है मैकेनिज्म असेंबली, ये एक तरह से इंसुलेटर है, ज़्यादा इंसुलेटर है ये बराबर। उसके बाद ये इसका पेंटो का बेस फ्रेम है पूरा, जिसको बोलते हैं बेस आधार, बेस फ्रेम है ये, इसके बेस इंसुलेटर हैं जो रूफ इंसुलेटर बोलते हैं हम लोग, ये बेस इंसुलेटर जिसको बोलते हैं, बेस इंसुलेटर है रूफ इंसुलेटर। उसके बाद ये लोअर आर्म असेंबली है, लोअर आर्म असेंबली बराबर, ये इनके पार्ट्स हैं, पेंटो के पार्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, पेंटो के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये बड़े बड़े पार्ट्स दिखाए मैंने, छोटे छोटे पार्ट्स इसकी, जैसे प्लंजर बॉक्स के अंदर छोटे छोटे रबर किट ये वो बहुत सारे होते हैं,
ये बड़े बड़े पार्ट्स हैं जो हमको दिखते हैं। ये हमारा AM12 पेंटो है, ये मतलब हम लोगों ने AM12 पेंटो का ही दिखाया है। इसमें तीन टाइप के पेंटो हम लोग यूज़ करते हैं, AM12 और WBL 85HR और WBL 22.03, जो हमारा थ्री फेज में लग के आ रहा है 22.03 बराबर, और हाई रिच वाले जो हम लोग अभी दाऊद वाले हमको लगा के भेज रहे हैं। टोटल 37 HR हाई रिच वाले लगने वाले हैं, अभी तक 6 ही लगे हैं बराबर, 6 ही गाड़ियों में लग के आए हैं, 37 में लगाना है। हमारे पास 78 की होल्डिंग है, उनमें 37 में, हाँ अभी 41 बाकी है, 78 है ना टोटल, अच्छा 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 हाँ 37 टोटल लगने वाले हैं, 6 लग गए, 31 बाकी हैं। ये अभी पेंटो पेन है हमारा विथ मेटलाइज कार्बन स्ट्रिप बराबर, मेटलाइज कार्बन स्ट्रिप होती है। ये पेंटो हॉर्न है, इसको पेंटो हॉर्न बोलते हैं बराबर। पेंटो हॉर्न का काम बताएगा कोई, इतने पूरे को क्यों पेंटो पेन नहीं बोला इसको, पेंटो हॉर्न इसको अलग से क्यों बोला है? नहीं देखो, इसको पूरे को पेंटो हॉर्न बोल सकते थे ना, इसको नहीं पेंटो पेन बोल सकते थे, इसको पेंटो हॉर्न क्यों बोला? हाँ बराबर, इसलिए पेंटो पेन जो ओएचई से करंट कलेक्ट करता है वो पेंटो पेन, जो करंट कलेक्ट नहीं करता है वो पेंटो हॉर्न, सपोर्ट के लिए इमरजेंसी में। पेंटो हॉर्न देखो, ये जो रेड पोर्शन है ये, इसको पेंटो हॉर्न क्यों बोलते हैं, पूरे को पेंटो पेन क्यों नहीं बोलते इसको, पूरे को अभी आपको देखना होना है, ये हॉर्न तक ओएचई जाती है, 8 नंबर की लाइन पे जाके देख लेना, हॉर्न पे जाती है, हॉर्न पे गई अच्छा, तो हॉर्न पे जाने के बाद करंट आएगा, आपने क्या बोला सर, देखना अभी भी सर, ये अभी आप नीचे उतरो ना, ये गाड़ी है, यहीं जाती है यार्ड में, अरे ये नहीं अपनी, ये बराबर है आपका प्रैक्टिकल बराबर, हाँ हॉर्न पे कहाँ पे चलती है, नहीं डाउन में कहाँ से डाउन में, यानी हमारा पेंटो ये कहता है कि कार्बन स्ट्रिप पे ही ओएची रहनी चाहिए, ये रहनी चाहिए, अब इस पे जा रहा है ये गलत है मेरे हिसाब से बराबर। हॉर्न पे गाड़ी मतलब हॉर्न, ये पेंटो हॉर्न है, इस पे ओएची का वायर नहीं टच होना चाहिए बराबर, आ जाता है बट दादा ये होना नहीं चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ बस बराबर। ये देखो ये नीचे जो ये लगा हुआ है लोअर आर्टिकुलर असेंबली, आपको ना सबसे बड़ी चीज़ है टेक्निकल वर्ड ही यूज़ करने हैं रेलवे में, यहाँ पे कोई बोलेगा वो नीचे का डंडा नीचे का बॉक्स वो नहीं चलेगा, टेक्निकल वर्ड ही यूज़ करने हैं, देखो आनी तो यहाँ चाहिए स्टैंडर्ड, लेकिन हमारे रेलवे में सब चलता है, तो जैसे इन्होंने बताया लूप से उसमें जाती है, मतलब सीधा यहाँ से नीचे ना गिर जाए, ये बैकअप है, ये बैकअप एक तरह से ये पीछे का बैकअप मान लो इसको, यहाँ से ओएची नीचे ना गिर जाए, हाँ सबका अलग अलग है, बताओ ये नाम, ये जो स्टडी ट्यूब लगी हुई है काय के लिए, टाइम हो गया ना, ये कार्बन स्ट्रिप जो है उसको पहले
बैलेंस पे रखने का कार्य करती है। कार्बन शीट में पैन टू पैन के लिए पैन टू पैन पूरा को बैलेंस करना। तो प्रवीण पटेल ने तो ये बोला था सही है, और इसके एक तरफ एडजस्टिंग वाला दिया है। और ये पुसरोड क्या करती है? पेंटो रेज होने में पुश करती है सर्वो मोटर। ये सर्वो मोटर से कनेक्ट होगी ना। अच्छा, इस पे हाँ पुसरोड पुसरोड ये पर आर्टिकुलर अपर आर्टिकुलेशन आर्म लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब, इनको टेक्निकल वर्ड में ही बोलने का। जैसे कुछ खराब हो जाए आप बोले बोले वो रोड खराब हो गई, रोड तो काफ़ी सारी होती है, परफेक्ट वर्ड होना चाहिए जिससे आदमी एक ही बार में समझ जाए। बराबर दादा, पुसरोड का काम बताओ। ये रे देखो पुसरोड क्लियर दिख रही है इसमें। तो क्यों लगाया हुआ है पुसरोड बताओ, सेफ्टी के लिए? सब नहीं बोलते हाँ, सर्वो मोटर पीछे की तरफ जाती है ना। नहीं, सर्वो मोटर तो पीछे की तरफ फ्री हो गया, पेंटो पेंटो फ्री हो गया, तो रेजिंग स्प्रिंग उसको खींचेगी पीछे से वो। यानी ये सर्वो मोटर क्या बोलते हैं, वो बेरिंग वाला पोर्शन आता है उसको, तीन बेरिंग लगती है ना वहाँ पे। सर्वो मोटर है, इसको खड़ा नहीं कर रही, स्प्रिंग कर रही है। हाँ, इस स्प्रिंग में प्रेशर रहता है? तो यानी एयर प्रेशर नहीं होता ना इनमें, ये ठोस है, यानी इनका टेंशन 7 kg होता है। अगर अगर इसका प्रेशर मतलब इसका टेंशन 7 kg से कम हो जाए तो ये स्प्रिंग खराब है। ये देख लिया टेक्निकल नाम इसके, और ये वो पिन इसके ऊपर लगी हुई था, देखिए जो बेस पे ना इसके आगे वो पूरी फ्रेम को दबाएगा, पेंटो को पीछा नहीं। ये इसके पेंटो डाउन कैसे होता है, बैठता है कैसे, बिना प्रेशर, बराबर बिना प्रेशर लेके सर्वो मोटर में क्या लगा हुआ है, दो स्प्रिंग लगे, उस स्प्रिंग के टेंशन से पेंटो को दबा के पीछा। सर्वो मोटर में जो जब तक प्रेशर है तब तक पेंटो रेज रहेगा, जैसे प्रेशर नहीं लगा देखो ये सर्वो मोटर के पार्ट हैं, बराबर मेन पार्ट्स ऑफ M12 कन्वेंशनल पेंटोग्राफ। सर्वो मोटर एक नंबर, ये सर्वो मोटर है, ये रॉकर आर्म दो नंबर, इसको रॉकर आर्म बोलते हैं, बराबर। ये तीन नंबर एक्चुएटिंग रॉक एक्चुएटिंग रॉड, बराबर, ये एक्चुएटिंग रॉड है जो सर्वो मोटर और इसको जोड़ रही है मैकेनिक जो असेंबली को। और चार नंबर पे जो है वो एक्चुएटिंग रॉड इंसुलेटर, एक्चुएटिंग रॉड इंसुलेटर है ये, बराबर। उसके बाद में पांच नंबर जो है वो आपका कैम है, पांच नंबर ये जो है वो आपका कैम है, ये जो पॉइंट किया हुआ है ब्लैक, ये कैम है। फिर पेंटो पेंटो बेस फ्रेम है, ये पेंटो का बेस फ्रेम है। सात नंबर पे आपका रेस्टिंग पैड है, ये हाँ, जिसपे अपना पेंटो टिकता है आगे, ठीक है हाँ, जिसपे नहीं टेक्निकल वर्ड रेस्टिंग पैड ही होगा,
आप कुछ भी बोलो। देख लो हाँ बराबर, थ्री फेज में अलग है, थ्री फेज में रेस्टिंग बम्पर है अपने इसमें, है तो रेस्टिंग ही ना कुछ ना कुछ, रेस्टिंग बेस, रेस्टिंग पैड, रेस्टिंग बम्पर है तो रेस्टिंग ही ना, रेस्ट करेगा ना पेंटो उस पर बस। बराबर, आठ नंबर पे आपका पेंटो के जो बेस इंसुलेटर हैं वो हैं आठ नंबर के, एक दो तीन चार। बराबर, उसके बाद नौ नंबर पे आपका लोअर आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन ड्रम है, लोअर आर्टिकुलेशन असेंबली जो बोलते हैं अपने। बराबर, उसके बाद में दस नंबर पे रेजिंग ईयर रिंग स्प्रिंग, इसको रेजिंग स्प्रिंग बोलते हैं, रेजिंग स्प्रिंग। बराबर, उसके बाद ग्यारह नंबर पे थ्रस्ट रॉड, इसको थ्रस्ट रॉड बोला जाता है यहाँ पे, पुश रॉड है ये, हाँ ये इसको पुश रॉड बोलते हैं। बराबर, कंपनी के हिसाब से। और 12 नंबर पे लोअर आर्टिकुलेशन ट्यूब बोल दो या असेंबली, हमने बोला है लोअर आर्टिकुलेशन असेंबली। 13 नंबर पे बॉल बियरिंग, ये जो है बियरिंग लगी होती है यहाँ पे, बॉल टाइप की बियरिंग के टाइप होते हैं, बॉल बियरिंग, टैप बॉल, टेपर्ड बियरिंग, रोलर बियरिंग, बॉल में भी अलग अलग होते हैं, टेपर्ड, पिन टाइप, साइकिल टाइप, अलग अलग होती हैं बॉल, मतलब बेयरिंग के कई टाइप हैं, हमारे पास जो लगी है वो बॉल बियरिंग है। बराबर, उसके बाद फ्लेक्सिबल संट हैं, 14 नंबर यहाँ पे संट लगे हुए, एक यहाँ यहाँ लगे हुए, दो दो यहाँ लगे हुए संट, ठीक है, फ्लेक्सिबल संट। ये एंटी बैलेंसिंग रॉड है बीच में, इसी को बोलते हो ना स्टडी ट्यूब, स्टडी ट्यूब यानी उसको बैलेंस करके रखता है ये। बराबर, फिर 16 नंबर पे कार्बन स्ट्रिप, कार्बन स्ट्रिप ये बताओ थ्री फेज जो गाड़ी है उसमें न्यू और कंडम का साइज क्या है? हाँ प्रताप जी, बराबर बराबर, थ्री फेज में लिखना है इसको, थ्री फेज और एचआर में 39 प्लस और माइनस 1 लिख लेना। ठीक ठीक, ये तो ले जाओ, ये भी रख दो ना, तुम्हारा ही ना, ठीक 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 ठीक। इसके बाद लिखा वो संट, फुल संट और हाफ संट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ये कल सबकी डायरी में होना चाहिए, ठीक है, जिन्होंने आज ही डायरी में लिखा तो बहुत अच्छी बात है। ब्रेक कंट्रोलर में सेल्फ लेपिंग पोजीशन क्या होती है? सेल्फ लेपिंग पोजीशन, अरे वो स्टेप में भी ईपी लगती है, वो अभी बताया नहीं था, सेल्फ लेपिंग पोजीशन मतलब
ईपी को स्टेप में लगाने के लिए सेल्फ लेपिंग पोजीशन, अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था योगेश भाई ने। यानी जितना हमने प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जितना प्रेशर दिया है उतने को रोक के रखने के लिए सेल्फ लेपिंग पोजीशन, यानी 0.8 प्रेशर है तो 0.8 ही लगा रहे, ईपी इतनी लगी रहे स्टेप में, 0.4, 0.6, 0.8 जितना प्रेशर दिया है उतना लगा रहे, उतने पे ईपी के स्टेप लगे रहे, मतलब ईपी के 3-4 जितने स्टेप हैं उतने लगे रहे, दो स्टेप लिए तो दो पे ही लगा रहे, ऐसा ध्यान नहीं दिया यार आप, इन्होंने तो क्वेश्चन भी किया था। क्या ध्यान दे रहे हो तुम मनु भाई, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे सिखाने के लिए बुला रहे हैं, सीख अगर मनु बी आई बी एस की चालू करते हैं तो कौन कौन से कॉन्टैक्ट हमारे लगते हैं वो बताइए, कौन से कॉन्टैक्ट हमारे मतलब मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली जो भी कॉन्टैक्ट हमारे बी ए बी चालू करने के बाद लगते हैं वो बताइए। मनु यार बिल्कुल ध्यान नहीं है, मतलब बी आई बी एस चालू करने पे कौन कौन से कॉन्टैक्ट लगते हैं वो तो बताओ। हम जब ऑटो लगाते हैं और उसको ऑटो लगाने के बाद लैब पर रख देते हैं, जितना प्रेशर है हमारा 4 पॉइंट मतलब मान लो 3.5 है तो प्रेशर 3.5 ही रहेगा या कम ज़्यादा हो जाएगा लैब पर रखने के बाद, जो 3.5 प्रेशर है बीपी का बढ़ जाएगा लैब पर रखने के बाद है? बढ़ जाएगा प्रेशर। अरे तो ऑटो लगाने के बाद लैब पर रख रहे हो तो उतनी ऑटो लगी रहेगी ना, अच्छा ये बताओ बीपी चार्जिंग समझ में नहीं आया क्या मैंने ब्रेक, अच्छा ये बताओ मनु भाई ब्रेक कंट्रोलर जब पूरा हुआ मैंने पूछा ब्रेक कंट्रोलर में कोई डाउट है तो आपने पूछा नहीं ना कुछ भी, ये भी आपकी गलती आप पूछ नहीं रहे हो, आपने बोला ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछोगे नहीं, पूछा सब लोगों ने सर, वो राजकुमार लंदन से नहीं आया कि इंजन नहीं बता पाएगा, नहीं इंजन बता दूंगा, ठीक है ना, नींद आ रही है आपको, नहीं आके बता रही है आपकी, नहीं आंख में आज चोट लगा रहा हूं पर मोबाइल पर मार के कब चेक करना पड़ेगा, कोड जान में चोट लग गया क्या हो गया, खेल रहा था वो अच्छा ये बताओ बीपी चार्जिंग वाल्व क्या काम करता है वो बता दो, बीपी चार्जिंग वाल्व क्या काम करता है वो बताओ, मतलब कितना प्रेशर कितना करता है वो बताओ पूरा, कौन से प्रेशर को 5 kg करता है, एमआर प्रेशर कितना होता है तो पूरा बताओ ना, 7 kg प्रेशर को 5 kg में कन्वर्ट करने के लिए बीपी चार्जिंग वाल्व काम आता है। हम ईपी जब ब्रेक लगाते हैं फुल ईपी तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हमने बताई थी आपको वो कैसे कैसे काम करती है पूरा बताओ, हाँ ये बताओ, चलो ये देख के मतलब ये बताओ ये क्या है, ये ईपी ब्रेक लगाया हमने, राकेश राजेश भाई, राजेश पीएनसी में कब से आप, दो साल हो गए मेरे पहले से पता है बस, मैं वहां डीजल पे रेट ठीक था, किस में थे डीजल ठीक साइड में, हां
मेरे को ये हवा वाला कोई पल्ले नहीं पड़ता, कहाँ से कहाँ आ जाती है, क्या है वो, कैसा है ना दूसरा। इसीलिए तो आपकी क्लास लगवाई जा रही है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है अभी धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे सीख जाए। काम तो करते हैं, काम तो भाग दौड़ के करते हैं, हम तो कुछ भी करो। हाँ सर, सब वर्क सब करो, कोई मना नहीं करो, कुछ भी काम के लिए मना नहीं है। अगर कोई चीज आती नहीं है तो काम कैसे करेगा? नहीं, खलासी वाला काम है ना सर, के साथ रहते तो सीटें बना लो। आज जो आपको पढ़ाया है उसमें से कितना समझ आया है? ये तो कुछ आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया, धीरे आएगा। नहीं, आज दो घंटा आपको हुआ, दो घंटे में कुछ भी समझ नहीं आया? अभी कुछ मालूम नहीं पड़ा, कुछ तो आया होगा ना, एमआर कितना है मालूम नहीं, सात के दिया हमारे। नहीं, वो मेन सर्किट अभी लास्ट में है सर, हाँ, ये ब्रेक कंट्रोल और यूनिट का संपर्क। राजकुमार, आपकी ड्यूटी है कि इनको पूरा सर्किट अच्छे से समझ आना चाहिए, उनको समझा दे। मान लो कि सब समझ गए, सक्सेसफुल टीचर बन गए आप जी। ब्रेक कंट्रोलर से ईपी यूनिट तक ब्रेक कैसे लगती है, एमआर का उतना काम बताया अभी। एमआर मेन कंप्रेसर से एमआर बनता है, वो कैसे एमआर मतलब मेन रिजर्वायर में जाता है वो नहीं बताया अभी, वो आगे अभी सर्किट आएगी। ये सर सर्किट मतलब पूरा ये पूरा समझाना पड़ेगा, ये लास्ट में रखा हुआ है, मतलब कम्प्लीट हो जाए तो ये पूरा कम्प्लीट है। एमआर आप चाहे 10 बार समझाएंगे तब भी समझ नहीं आएगा, तो ऐसी चीजें खुद से जब तक मैं पेपर पे नहीं बढ़ाऊंगा तब तक मेरे को समझ आएगा ही। प्रॉपर इनका लोकेशन कहाँ-कहाँ रहेगा पाइप में? पहले पेपर पे इनसे 2-3 बार प्रैक्टिस करवा लो कि देख देख के बनाएंगे, ठीक है, 3-4 बार देख देख के बनाएंगे, फिर एक बार फील्ड में दिखा देना, फिर 1-2 बार बढ़ा के देंगे। पुरुषोत्तम, ओ पुरुषोत्तम, लाओ ना, क्या है, हो गया ना? A C B A C B D A B C D। अब वो गलती करेंगे तो छोड़ जाएंगे कर देंगे? नहीं, कुछ बताएंगे साहब, कुछ बनवाएंगे। छोटा सा गेम है, खिला रहे हैं बीच में ब्रेक देने के लिए। ए से डी तक सारे सारे अल्फाबेट 2-2 बार है, टोटल 8।
दो जगह सी और दो जगह डी। ठीक है ना, इस गेम में जो जीतेगा उसको एक पेन गिफ्ट करोगे कर दो। ठीक है, जीतने के नाम पे छोटा सा गिफ्ट आएगा, हाथ में लेके नहीं आया, ध्यान नहीं रख लो, रूल सुन लो सारे। फिर टाइम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कर पाओ, सभी दोगे जो सबसे पहले करेगा उसको फिर प्राइज मिलेगा। किस किस को रूल ऑलरेडी पता है इसका? कभी नहीं खेला वो गांव में घर का ऐसा तो खेले क्रिकेट पहले तो वो भी खेलते थे ना सर, कैसे कैसे क्यों कर गेम खेलते सबके लिए नया है, गेम नया रहता तो खेलना थोड़े, ऐसा थोड़े ना कि क्रिकेट आपको बताया ऐसे खेलेंगे तो आप खेल नहीं पाओगे। रूल बताता हूँ आपको, ए से ए कनेक्ट करना है लाइन से, ए बी से बी करना है, सी से सी करना है और डी से डी करना है। सुन लो अभी करना नहीं है, मिस्टेक का कोई ऑप्शन नहीं है, जिसने कटिंग करी उसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले एक बार ही चलेगा। ए से ए कनेक्ट करना है, बी से बी लाइन मार के, कोई भी लाइन सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और कोई भी दो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, समझ गए? किसी को डाउट है? हां नहीं आ रही लाइन, अन स्ट्रेट रहेगी कर दूं पहले बी को मिला तो यहाँ मिलेगा ये सर्कल से बाहर लाइन दी जाएगी, एक को एक को इसको मिलाएंगे देखो बी को मिलाएंगे यूँ बाहर, ए को मिलाएंगे यूँ, डी मिलेगा देखो उसको कर लेते हैं पहले तो सी को मिला दूंगा ऊपर हो गया मिला बी को मिला दूंगा को यहाँ से उठा के यहाँ लेके इधर ले बराबर है ये निकल जाएगा ना बी ऊपर हो गया जाएगा बी ऊपर हो गया जाएगा डी रह जाएगा डी आएगा ना सीधा। अच्छा अच्छा खाली ध्यान से उसको देख रहा नहीं है उधर आप किटिंग मत करो ये ऊपर हो गया से भी और बी से भी हो गया सबसे मिलेगा सब मिला पाएंगे हो गया ये तो पांचवी छठी क्लास के बच्चे कर रहे हैं डी कौन मिलाएगा? बिल्ली मिला? अच्छा मेरे वाले भी मिला देगा?